नमस्कार। आपको मालूम है कि 4 तारीख को आपको वोट करना है और पतंग का निशान है, तमाम पार्टियां आपके बीच में हैं और हर 5 साल में हम लोग वोट करते हैं किसी न किसी को। कभी कांग्रेस को जिताया तो कभी आम आदमी पार्टी को जिताया तो कभी बीजेपी को जिताया। हम हर 5 साल में वोट तो कर देते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे वोटों की ताकत क्या है। हमारी वोटों से ही मुंतखिब होकर ये लोग जीत कर जाते हैं, ऐवान में बैठते हैं, लेकिन आपकी तकलीफ को नहीं समझ सकते क्योंकि मैं इस इलाके में घूम रहा हूं तो मुझे यकीनन ये यकीन हो रहा है कि आपकी तकलीफ क्या है। आप लोगों के पास कहीं पर भी सफाई ढंग की नहीं दिखी, नालियां अच्छी नहीं, सड़कें अच्छी नहीं। क्या आप लोग इसलिए उन्हें वोट करते हैं कि वो वोट लेकर जाकर अपने घरों में बैठ जाते हैं? आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। हम लोग तो ये सोचकर वोट करते हैं कि ये हमारा नेता है, ये जीत कर जाएगा तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारेगा, हमारे बस्तियों में रोशनी देगा, हमारी बस्तियों में अच्छी नाली और सड़कें होंगी, हमारी बस्तियों में अस्पताल होंगे, हमारी बस्तियों में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे। लेकिन जब ये लोग जीत जाते हैं तो ये खामोश बैठ जाते हैं, और खामोश बैठे भी क्यों ना। आपको मालूम है ये तमाम बड़ी पार्टियां, कोई 1 करोड़ में टिकट लेकर आता है तो कोई 2 करोड़ में टिकट लेकर आता है, फिर वो बीच में आप भी आते हैं और आप लोग भी, कोई 500 में बिक जाता है, कोई 1000 में बिक जाता है। पैसे लेकर आप अपना वोट तो खराब कर देते हो लेकिन ये नहीं सोचते कि आने वाले 5 साल आपके लिए खराब हो चुके हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो चुका है। आज इस मोहल्ले में आप बताइए, यहाँ पर मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएं भी बैठी हैं, अगर कोई ढंग के इलाके से आपके घर में रिश्ता लेके आए तो क्या कोई ढंग का रिश्ता आपके घर में आ सकता है? ये माहौल देख के कोई बाहर का आ सकता है? ये दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी कहलाती है, हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, जिस दिल्ली के बारे में अगर लोग बाहर जाएं, मुंबई जाएं, महाराष्ट्र जाएं, कलकत्ता जाएं, कहीं भी जाएं, तो लोग कहते हैं दिल्ली से आया है, दिल्ली तो हिंदुस्तान का दिल है, दिल्ली तो हिंदुस्तान की राजधानी है। अगर वो लोग आकर आपके जेजे कॉलोनी में घुस जाए तो दिल्ली का नाम लेना भूल जाएंगे और वो बताएंगे कि दिल्ली क्या है। केजरीवाल ने सपने तो दिखा दिए आपको फ्री 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 के, लेकिन आपने सोचा नहीं, उसने आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया। आज आप देखिए, कोरोना काल आया, कोरोना आया, उस मुसीबत को हर एक आम आदमी समझ सकता है, एक गरीब समझ सकता है। जिसके पास पैसा था उसका तो कोरोना टाइम छुट्टियों में बीत गया, लेकिन आप लोगों को पता है आपके घरों में आपके जो मर्द होते हैं, जो आपके बच्चे होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं, रोज काम करने जाते हैं, रोज दिहाड़ी लेकर आते हैं तो अपने घरों को चलाते हैं, लेकिन जब ये कोरोना आया तो कौन सा नेता आपके बीच में आया ये बोलने के लिए कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? और ऊपर से मुसलमानों को बदनाम किया गया। अगर मुसलमानों के लोग अगर सब्जी बेचने निकल जाते, रोडों पर अगर कोई सामान बेचने निकल जाते तो उन्हें यह कहा जाता था कि मुसलमान कोरोना फैला रहा है। ये बोलने वाला कौन था? ये वही केजरीवाल था जिसको मुसलमानों ने इस दिल्ली के अंदर 99% वोट देकर दिल्ली की सत्ता दी। आज उसी मुसलमानों को केजरीवाल ने बर्बाद किया। वोट आने के बाद तो आप लोगों को बोल देता है कि मुझे वोट दीजिए। मुसलमानों देखो, कांग्रेस ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, मैं तुम्हारा रहनुमा हूं, लेकिन कोई पार्टी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मुसलमानों के लिए काम कर सके। मेरे भाई भी बैठे हैं, गैर मुस्लिम भाई भी हैं, किसी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर जुल्म और सितम किसी के साथ हुआ है तो हिंदुस्तान के मुसलमान है। हम लोग सहते रहे, हम लोग कटते रहे, हम लोग मरते रहे, लेकिन अगर हमें अगर कुछ मिला तो मेरे भाई, सिर्फ हमारी बस्तियों में अगर जहां जहां मुसलमानों की आबादी है, अगर सबसे ज्यादा गंदगी कहीं पर देखी गई तो मुसलमानों की बस्तियों में, कहीं पर स्कूल नहीं है तो मुसलमानों की बस्तियों में, अगर कहीं पर अच्छी नालियां और सड़कें नहीं है तो मुसलमानों की बस्ती में, कहीं पर अच्छे अस्पताल नहीं है तो मुसलमानों की बस्ती में, क्यों मुसलमानों ने इन्हें वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने इन्हें इख्तदार की कुर्सी दी? लेकिन ये भूल जाते हैं। लेकिन एक कायद मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद की सरजमी से निकल कर मुसलमानों के हाथ पर हुकूक की बात कर रहा है, ऐवान में आपकी आवाज उठा रहा है, ऐवान में जाकर आपकी बात उठा रहा है। वो किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, वो किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है इस मुल्क के अंदर, उसको खत्म करो, हमारी बस्तियों में खुशहाली दो। 75 साल हो गए आजादी के, लेकिन आजादी के बाद भी अगर तमाम रिपोर्ट उठाओगे तो तमाम रिपोर्टें ये कहती हैं कि आज हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और वो 25 करोड़ मुसलमान, ये तमाम कमेटियां बता रही है कि वो दलितों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं।
क्यों क्यों मेरे भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इनको इख्तदार की कुर्सी देते हैं। जब तक आप लोग अपनी एक कयादत नहीं चुनोगे, अपना एक अच्छा नेता नहीं चुनोगे, अपना एक अच्छा लीडर नहीं चुनोगे, तो आप लोगों को कभी भी कामयाबी नहीं मिलने वाली। आलम साहब पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भरोसा जताया है। आलम साहब आपके कॉलोनी का ही लड़का है, नौजवान है और जिम्मेदारी को बाखूबी ने मालूम है कि मेरे कॉलोनी के अंदर क्या दर्द है, मेरी कॉलोनी में क्या तकलीफ है, मेरी बस्ती को क्या चाहिए, मेरे बस्ती के बच्चों को क्या चाहिए। उन्हें मालूम है कि मेरे बस्तियों के अंदर आज कुछ भी नहीं है। ये तमाम लोग जो आपके बीच में आते हैं, जिनकी जमीनें आपने खरीद कर उन्हें मालदार बना दिया और वो आज हर चीज अपनी जगह पर ले बैठे हैं, आपको तन्ने वाला चाहिए या आप वाला चाहिए? वो लोग आएंगे आपके बीच में, शुरू में हाथ जोड़ेंगे, भाई मैं तेरा भाई हूँ, मारा ध्यान रखियो, मैं तेरा भाई हूँ, मारा ध्यान रखियो, और जीतने के बाद बोलेंगे अरे के है रे तू, कितने आया रे तू। और एक भाई आपका बच्चे जब आप जाओगे उनके पास तो बोलेंगे आइए मेरी खाला बैठिए, मेरी अम्मी बैठिए, मेरी बहन बैठिए, मेरे भाई बैठिए। क्या वो आप लोगों को इज्जत दे सकते हैं? नहीं। तो आप लोग क्यों, जब आपके बीच में देखिए आलम साहब के पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है जो दौलत से भी बढ़कर है, शोहरत से भी बढ़कर है। और आपको मिलकर यह फैसला लेना होगा, ये सोचना होगा कि एक नौजवान का साथ दीजिए, इनके कंधों पर जिम्मेदारी दीजिए। यकीनन मैं कह सकता हूं आपसे, अगर आप लोगों ने आलम साहब को कामयाब किया तो ये घर में बैठेंगे नहीं, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे पर आपके लिए काम करेंगे, जहां पर भी आपको जरूरत होगी, आपके बच्चों के लिए। इन्होंने जैसे बताया, और मुझे भी ये दिख रहा है कि इस बस्ती में नशा का क्या हाल है, नशे से बच्चे मर रहे हैं। समेत एक ऐसा नशा होता है जो इंसान को खत्म कर देता है, एक परिवार को उजाड़ देता है, एक माँ को, माँ की कोख को उजाड़ देता है, एक बाप को बेऔलाद बना देता है। तो आप सोचिए, एक ऐसा नशा जो आपकी बस्तियों में बिक रहा है, इसको बिकवाने वाला कौन है? अगर आप लोग अच्छा नेता चुनते तो क्या ये लोग आपकी बस्ती में स्मैक बेच पाते? क्या ये लोग आपके बस्ती में दारू बेच पाते? आप लोग कमाते हो, खाते हो, अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, क्या आपका बच्चा बड़ा होकर आपके घर में आपका नाम रोशन करेगा? लेकिन इस इलाके के अंदर जब आपका बच्चा 14 साल का, 15 साल का होता है तो उसे स्मैक की लत लग जाती है, उसे दारू की लत लग जाती है। वो क्या आपके घर के मुस्तकबिल को संवारेगा? वो क्या आपके घर को तरक्की देगा? आपको ये सोचना है, अगर इस इलाके के अंदर तरक्की चाहिए, आपको नशे से आजादी चाहिए, तो आपको जिम्मेदारी के साथ अपनी बस्ती से किसी को चुनना होगा। ये तमाम पार्टियों को आपने देख लिया है और तमाम लोगों को देख लिया है। आलम साहब ने जैसे कहा कि गोलियां भी चली, चाकू भी चले, लेकिन ये बंदा, ये शख्स घबराया नहीं, आपके बीच में आज भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ ये कल भी आपके बीच में रहेंगे। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग मेहनत करोगे हाथ खड़े करके बताओ, आप लोग मेहनत करोगे? मैं इतनी दूर से आया हूँ आपको समझाने के लिए। आप लोग मिलकर मेहनत करिए, आप लोग आलम साहब बनिए, आपका बेटा है, आपका बच्चा है, आपको आलम बनना है, और आलम बनकर गली गली में निकलिए, पैगाम दीजिए, एक नौजवान आपके बीच में लड़ रहा है और वो आपको इन सब चीजों से आजादी दिलाना चाहता है जो आपकी बस्तियों में चल रहा है। मेरे भाई तो जिताइए इन्हें और आलम साहब का साथ दीजिए, और अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।